उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बंपर जीत के बाद राज्य में सरकार के गठन की कवायद चल रही है, लेकिन यूपी में जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या मंत्रिमंडल में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। दरअसल ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने भले ही 325 सीटें जीती हों, लेकिन उनमें से एक भी मुसलमान नहीं है। हालांकि बीजेपी के मुस्लिम नेताओं को लगता है कि राज्य की लगभग 18% वाली आबादी वाले मुस्लिम समुदाय को मंत्रिमंडल में जरूर प्रतिनिधित्व मिलेगा। प्रदेश बड़ा है और बड़ा मैंडेट मिला है तो सबको विकास में अपनी हिस्सेदारी लगे और सरकार में अपनी भागीदारी दिखाई पड़े और हो, इसके लिए मुसलमान 20% हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनका एक या दो प्रतिनिधि होना चाहिए सरकार में। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कुछ ऐसी ही स्थिति 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद भी बनी थी, जब पार्टी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका था, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने बीजेपी के मुस्लिम राज्यसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उन्हें लग रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है, हो सकता है कि किसी को मंत्रिमंडल में विधान परिषद के माध्यम से लाया जा सकता है। मुसलमानों के उन्होंने टिकट भले ही ना दिया हो, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने उनके 3 तलाक वाले मुद्दे पर जो उनका स्टैंड है उसको लेकर के मुस्लिम महिलाओं का उनको जबरदस्त समर्थन मिला है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, वो परिषद में अगर इनके पास है तो वहाँ से भी ले सकते हैं। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी ने कहा था कि उन्हें जीतने लायक मुस्लिम उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए उन्होंने किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी किस पर भरोसा जताती है। गवर्नेंस नाउ के लिए दिल्ली से अमित श्रीवास्तव।